तो आप लोग देख सकते हो ये प्रॉपर जो स्कूपिंग होता है, ये स्कूपिंग ये वजन कम करने के लिए किया जाता है ना। हाँ। तो वजन कम करने के लिए इसको स्कूप किया जा रहा है, ठीक है। और स्कूपिंग उतना ही करते हैं जिससे आपका बैट फटे ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द आर्ट ऑफ मैनेजर। फाइनली आई एम बैक विद अ न्यू ब्लॉग। तो बहुत टाइम के बाद मैं आया हूँ एक क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चर की वीडियो बनाने, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में मानखुड़ में ईस्ट में स्टेशन के पास में ही मिल जाएगा आपको। जलीकुटी इनके बैट का नाम है जलीकटू। तो जलीकटू का नाम का मतलब क्या है, ये कितने टाइम से यहाँ पे बैट बेच रहे हैं, इनके पास टेनिस के बैट और ट्रैक काफ़ी चीज़ें। शॉप बहुत अच्छे से डेकोरेट की इन्होंने, आप लोग मैं देख सकते हो पीछे ये सब कलरफुल रबड़ के बैट है। और यहाँ पे स्पेशल एडिशन सारे बैट हैं इनके पास, हार्ड टेनिस के डबल बैट सब कुछ है। तो जो मेन एंड होल एंड सोल है यहाँ के जलीकटू के ओनर आ रहे हैं, अपन उनसे बात करते हैं, चेक करते हैं कि कस्टमर्स के क्या क्या है, उनके टेनिस बैट कैसे हैं, उनके टेनिस बैट की क्वालिटी क्या है, क्या वो मार्केट में क्या लोग, मैंने बहुत नाम सुना है जलीकटू का और काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं भाई के बैट यूज़ करने के लिए। तो इसलिए मैं भी आ गया कि चलो जब चीज़ मार्केट में चल रही है तो आना चाहिए, आप लोग तक वो रीच मिलना चाहिए। जो लोग अच्छे बैट नहीं मिल पाते, अच्छे बैटों से नहीं खेल पाते, तो भाई के बैटों का थोड़ा नाम है, तो बोला चलता हूँ बात करता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और बाकी वीडियो को प्यार दें। आया हूँ गेरअप जलीकटू में, जहाँ पे भाई का नाम क्या सर? महेंद्र। महेंद्र जी, महेंद्र जी होल एंड सोल एंड जलीकटू के, जो कि ये ब्रांड कब से है सर यहाँ पे अपना? एक्चुअली इधर लास्ट वन ईयर हो गया। ओके, सो ये स्टार्ट करे भी कितना टाइम हुआ जलीकटू को? ये स्टार्टेड एक्चुअली जलीकटू तो लास्ट वन ईयर हो गया है। ओके, स्टार्ट हो गया, बट ये ब्रांड जो था इसके पहले 4 इयर्स हो गया ये बिजनेस में। ओके, मानखुर वेस्ट में था बिजनेस एंड वी हैव मूव टू मानखुर ईस्ट। ओके, तो भाई स्पेशली जो जलीकटू के नाम से जाने जाते हैं वो उनके बैट, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि भाई ये जलीकटू का मतलब क्या है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, ऐसे काफ़ी लोग पूछते हैं। एक्चुअली ये जो जलीकटू जो है एक साउथ इंडियन ट्रेडिशन है ये। ओके, वी आर बेसिकली एन इंडियन बट वी बिलोंग्स टू, वी हैव डाइवर्सिफाइड कल्चर एंड वी हैव डिफरेंट कम्युनिटीज एंड आई एम फ्रॉम साउथ इंडियन कम्युनिटी। ओके, सो इट्स अ ट्रेडिशनल बुल फाइट, इट इज तमिलनाडु में जो होता है, जैसे महाराष्ट्र में भी बैलगाड़ा होता है और बहुत सारे जो अलग अलग स्टेट में, कर्नाटक में, ये सब जो बुल के अलग अलग ये एक्चुअली ये वो टाइम पे जब हमारा हिस्ट्री दिखेगी वो टाइम पे अंग्रेजों ने क्या करते थे, बुल के सिंग में सोने का सिक्का लगा देते थे। ओके, और हमारे जो वीर जो थे वो ऐसे ही इतने वीर थे, वो बुल को नीचे गिरा के वो सोने का सिक्का निकाल लेते थे। उन्होंने ऐसा रखा था जो गिराएगा उसको सोने का सिक्का मिल जाएगा, वो तो अपने देश के लिए कुर्बान थे लोग, ठीक है। तो बुल को गिराना बहुत बड़ी बात नहीं था। तो वो ऐसे ही कंटिन्यू होते गया बहुत सारे जो, फिर तमिलनाडु में ये जलीकटू एक स्पोर्ट्स ड्यूरिंग पोंगल फेस्टिवल के टाइम पे ये जो स्पोर्ट्स आया जो, और इसके अगेंस्ट में पेट ऑर्गेनाइज ने इसको बैन करने का काफी सारा ये था, ट्राई किया था, गवर्नमेंट ने इसको ऑर्डिनेंस पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने अपना ऑर्डिनेंस पास किया, ये स्पोर्ट्स अभी तक कंटिन्यू है। ओके, ये कल्चर से जुड़ा हुआ है, कोई किसी के कल्चर को मतलब किसी के बोलने पे हम तो नहीं रुका सकते, बराबर। और वही पैशन से फिर हमने ये नाम ऐसे ही सोचा था। ओके, तो हम लोग ने फिर ये नाम रख के फिर ये कैरी फॉरवर्ड किया है। जैसे आप लोग देख सकते हो जलीकटू जो मतलब जो लोगो है ना वही एग्रेसिव लग रहा है बैट पे। सो भाई का बैट कितना एग्रेसिव होगा जब प्लेयर के हाथ में ग्राउंड पे जाता रहेगा, और प्लेयर में कितना एग्रेशन होगा जब वो खेलता रहेगा, क्योंकि बोलते हैं ना कि बैट ऐसा होता है, एक एक कस्टमर के लिए बैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपने मुझे बताया था एक टीम पहले क्या होता था, एक टीम में एक बैट काफ़ी होता था, और आज के टाइम में हर किसी को अपना एक पर्सनल बैट चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू हर एक चीज़। तो वही पैशन है लोगों का। तो भाई के बैट बहुत दूर दूर से कस्टमर्स आते हैं, ऑब्वियसली काफी सारे एक्चुअली ये बैट्स है, हम लोग ये बैट्स का कंट्री भी जाता है। ओके, ये बैट मैंने यूएसए भी भेजा है। ओके ओके, और जो इंडिया के अंदर काफी सारे स्टेट्स में जो ये बैट को ऑलरेडी बेच चुका हूँ। ओके, लोगों का उनका अच्छा फीडबैक है। अच्छा, तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि ताकि अच्छा चीज दे तो लोगों तक रीच हो, लोगों तक रीच हो। हाँ। प्रॉपर। तो आपके जो बैट है ये डबल ब्लेड बैट है, प्रॉपर। सो ये इसकी लाइक क्वालिटी के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं, मतलब बैट के बारे में आपने कुछ बताइए जरा। एक्चुअली ये जो बैट्स है हम लोग प्योर एंड प्योर कश्मीर विलो में ही काम करते हैं। ओके, बाकी सारे जो विलोज रहते हैं उसमें हम लोग काम नहीं करते, कश्मीर विलोज में काम करते हैं, और जितना हो सकते है, क्योंकि ये जो बैट का जो मार्केट है बहुत कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव और टेनिस क्रिकेट आके एक बड़ा सेक्टर है, बड़ा सेक्टर, और बहुत सारे जो पैशनेट है प्लेयर्स है, और बहुत सारे जो है ये मिड रेंज क्रिकेट है, एक मिड लेवल का नहीं है लेकिन मिड रेंज इसका क्रेज जो है, इसका जो क्रेज का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है। तो इसके लिए मोस्ट बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिलेंगे, तो जितना कोशिश करते हैं कि ताकि
चीज अच्छा दे, चीज अच्छे क्वालिटी तभी फिर बिजनेस डेवलप होगा। तो जैसे कि जो बैट है अपना, ये अपना डबल ब्लेड है राइट, तो इसका क्या कॉस्ट रहा था सर? जैसे मैं देख रहा हूँ बैट में प्रॉपर ग्रेन्स भी दिख रहे हैं आपके, ये सेमी अपर है, सेमी अपर है, पीछे से दिखा सकते हैं इसको, पीछे से आप लोग देख लो, प्रॉपर स्कूपिंग है, खुद की भाई की मैन्युफैक्चरिंग है। अगर किसी को कस्टमाइजेशन भी करवाना तो अपने उनके अकॉर्डिंग आप बेड बना के भी दे सकते हो। डेफिनेटली। तो प्राइस रेंज भी वैसे ही फिर डिफर करता है। ओके। जैसे जैसा वेट चाहिए उनको पर्टिकुलर, मतलब ऐसे ही उनका प्रेफरेंस रहता है, तो वो हिसाब से एक्चुअली ये पूरा ब्लॉक आता है 1400 ग्राम का आता है, कोई 1500, कोई 1500, 1200, 1300 तो बहुत कम, बहुत कम, बहुत मुश्किल से मिलता है। यस यस यस। फिर हम लोग उसको कस्टमाइज करके, टेनिस क्रिकेट में ज्यादा हैवी बैट नहीं चलता है, नहीं चलता है मुंबई के अंदर। यस यस। बाकी जो बाहर कंट्रीज में थोड़ा बहुत तो वेट ज्यादा चल जाता है, चल जाता है, उधर पे रेड बॉल खेलते हैं, लेकिन इधर पे जो ग्रीन बॉल के लिए जितना लाइट वेट बैट है लोग उतना ही प्रेफर करते हैं। ओके। सो आप देख सकते हो प्रॉपर भाई की शॉप में। अच्छा, ये जो बैट है ये कैसे भाई? ये एक्चुअली ये जो बैट है आप पे भी देख सकते हो, ये बैट एक्चुअली मेरा एक बहुत करीबी जो फैमिली फ्रेंड और भाई जैसा बोल सकते हैं, सादिक जिसका नाम है, काफी हुनर है उनके हाथ में और वो आर्टिस्टिक है। तो ये बारिश के टाइम पे मेरा ये थॉट प्रोसेस आया कि कुछ यूनिक बैट करते हैं, तो उन्होंने ऐसे ऐसे जो पेंटिंग्स किए हैं, तो वो बैंगलोर ये सब मतलब बहुत सारे जगह से मेरे को बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत रिक्वेस्ट है, जाहिर सी बात है, मैं देख रहता हूं सर, ये प्रॉपर एक आर्ट है, जैसा किसी को मतलब लगता है ना कि चीज डिफरेंट चीज है, एडिशन होते हैं ना हर किसी yes, को yes, yes, yes. ऐसा खेलने का जिसको एडिशन जो अपने बैट को बहुत ये करता है, तो उसके लिए हमने ऐसे आर्टिस्टिक जो ये वाटरप्रूफ बैट्स है शायद रेनी के लिए ना, तो ये प्रॉपर वाटरप्रूफ बैट्स है, आप लोग देख सकते हो, जैसा चाहिए डिजाइन उसमें आप देख सकते हैं, काफी सारे कस्टमाइज डिजाइन है जबरदस्त उन्होंने किया है। क्या बात, बेसिकली जो आर्मी का जो हम लोग ने लगाया है ये वाला, वो एक्चुअली ये हम लोग इंडिपेंडेंस डे में आर्मी को डेडिकेट करने के लिए, बट नॉट फॉर सेल। तो ये सिर्फ डेडिकेशन ना, देखो हर कोई अपना बैट क्या करते हैं रेडी करके बेचना, बट वो रिस्पेक्ट होती है ना, वो रिस्पेक्ट उन्होंने रखी है, एक डिस्प्ले के लिए रखा है और एक डेडिकेट किया था उन लोग को कि ये आप लोग के लिए प्रॉपर बनाया गया। और आप देख सकते हो बैट पे जो आर्ट की गई ना बहुत क्लासी है, बैट पे शाइन है और जो कलर किया गया ना बहुत ज़बरदस्त। सब लोग के अपने मार्केट में बहुत बैठे देखे रहेंगे काले पीले करके छोड़ देते हैं, बस कलर मार दिया या कुछ छींटे फेंक देते हैं, ठीक है, बट जो डिज़ाइन है बैट पे वो बहुत क्लासी है, प्रॉपर आर्ट जिसको बोलते हैं ना वो किया गया है इस पर। भाई के पास हर एक ब्रांड है, SS, टेक्नो, DSC, पुमा, हर तरीके के शूज़ हैं, हर तरीके के बैट्स मिल जाएंगे, आप लोग बैट देख सकते हो, कलर ये रबड़ बॉल सॉफ्ट टाइम्स बैट सारे हैं, सॉफ्ट टाइम्स में अपने पास ही विदाउट कलर बैट मिल जाएंगे ना, मिल जाएंगे। तो उसका क्या प्राइसिंग रहेगा? प्राइस उसका एक्चुअली क्या वो अगर होलसेल में चाहिए तो होलसेल का डिफरेंट प्राइस है, अगर कस्टमाइज जैसा बैट इंडिविजुअल बैट लेते हैं तो 1500 से स्टार्ट है। ओके। टफ के लिए कोई पूछता है? ओके यस यस यस। अपने पास कुछ टफ के लिए है अभी राइट नाउ? टफ के लिए मेरे पास है, बताता हूं आपको। क्योंकि टफ में मुंबई में बहुत ड्रामा डिमांड आती है, आप लोग देख सकते हो काफी जबरदस्त बैट है, सारे के सारे हार्ड टाइम्स है, लाइट वेट भाई काफी लाइट वेट लग रहे हैं मुझे ये। ये कितना 981 kg तक रहेंगे? तो आपको यहाँ पे प्रॉपर सारे बैट आपके अकॉर्डिंग ही मिल जाएंगे। मैं बोलता हूँ कि आपने बहुत ब्रांड के बैट यूज कर रहे हैं, जली कटू का ही बैट यूज करना भाई, के अभी जो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती है वहाँ चलेंगे अपन। जी भाई कुछ बोलने वाला था मैंने, एक्चुअली जलीकटू आज जो स्टैंड हुआ है yes. इसके जो बैकबोन जो है ये जो नाम दिख रहे हैं आप गेरप हाँ, जो yes, yes, yes. जिनके वजह से आज मतलब ये बिजनेस के मुकाम पे पहुंचा हूं मैं। तो क्या मतलब गेरप का सर? गेरप का एक्चुअली जी से मेरा फ्रेंड का नाम है गणेश, ओके ठीक है, और यू से उनके वाइफ का नाम है ओके बोल के ओके, इन्होंने काफी मुझे सपोर्ट किया ड्यूरिंग माय बैड फेज ओके, तो जिसकी वजह से मैं स्टैंड करना पाया मतलब वापस स्टैंड हुआ हूँ। ओके ओके, ये बिजनेस को धीरे धीरे हम लोग डेवलप करने के इसमें है। ओके क्या बात होगा सर, डेफिनेटली आपके बैट मैंने काफी जगह देखे हैं और काफी नाम सुना है, इसलिए मैं भी बहुत दूर से 40 किलोमीटर से आया हूँ सिर्फ आपके बैट की वीडियो बनाने की, लोगों तक रीच पहुंच जाए जिन लोगों तक आपके बैट नहीं गए, क्योंकि हर कोई टेनिस प्लेयर के पास बैट हैं टेनिस के, लेकिन एक अच्छे बैट की हर किसी को ख्वाहिश है, तो इंसान वो सर्च में है, तो मैं बोलता हूँ आपकी डेस्टिनेशन यहाँ स्टॉप होती है अगर आप यहाँ तक पहुँचते हो तो। जी आप कुछ बोले थे? श्योर मेरा यही कोशिश है कि जितने जो भी कस्टमर लेते हैं yes. पेइंग मनी एक्चुअली, और उनको ताकि अच्छा चीज दे ओके ताकि वो सेटिस्फाइड शुड बी सेटिस्फाइड फॉर व्हाट दे पेइंग फॉर यस यस, तो मेरा वो कोशिश वही रहता है वही रहता है। अरे कोई कोई मतलब अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है हाँ
तो उनका फीडबैक ले लेता हूँ. क्या फीडबैक ले लेता हूँ, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, फिर क्या कमी थी, क्या रह गया. परफेक्ट परफेक्ट. तो ये भाई क्या ईमानदारी है लोगों के लेके. ऐसा नहीं कि बैठ के पैसे ले लिए, भैया पसंद नहीं आया, कुछ चीज़ों की कमी है तो उसको इम्प्रूव करेंगे. और मुझे नहीं लगता इम्प्रूव करेंगे जरूरत है. ऑलरेडी बैट्स काफ़ी अच्छे हैं भाई के. मैन्युफैक्चरिंग जो होती है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि कैसे बैट बनते हैं वहाँ पे. तो जो भी कस्टमर को अपने लिए पर्सनली बैट बनवाना है तो भाई को आप कॉल करके ऑर्डर भी दे सकते हो. डिस्क्रिप्शन में सब नंबर डिटेल्स इंस्टा पे सब कुछ मिल जाएगा. तो चलते हैं भाई वहाँ पे, दिखाते हैं लोगों को अपना वर्कशॉप और काम कैसे होता है, कैसे बैट रेडी किए जाते हैं. तो आपको 100% लोग कॉल ज़रूर करेंगे और भाई को जल्दी से ऑर्डर देना है आप लोग को. महेंद्र भाई ये अपने पास ये अपना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है महेंद्र भाई की. तो ये क्या है, सारे बैट्स टेनिस के बैट ही ना, ये टेनिस के बैट है. बट भाई ये तो मुझे सीजन के लग रहे हैं. नहीं नहीं ये टेनिस के ही बैट है, अभी फिलहाल अच्छा है बैट. ओके. और इसका वेट देख सकते हैं आप, 1342. ओके, 1 gram 342 ओके. तो जैसे आपने कहा था कि इसको मशीन में करके कम किया जाता है. अभी ये जो स्कूप करेंगे, ठीक है, अभी ये बोट कट जो करते हैं, लंबा खाचा जो मारते हैं, ओके, उनका वेट ये करने के लिए जो सेंटर में जो खाचा रहता है वो. ओके, बोट कट. हाँ, स्कूपिंग इसी को बोलते हैं ना भाई. आप लोग देख सकते हो ये प्रॉपर जो स्कूपिंग होता है, ये स्कूपिंग ये वजन कम करने के लिए किया जाता है ना. हाँ. तो वजन कम करने के लिए इसको स्कूप किया जा रहा है, ठीक है. और स्कूपिंग उतना ही करते हैं जिससे आपका बैट फटे ना. ऐसे बनता है अपना स्कूप बैट. बैट का वेट करेंगे सर, इसका वेट अभी 1342 था, ठीक है. सो अभी आप लोग देख सकते हो कि स्कूप करने के बाद बैट का वेट, हाँ, 1100. बहुत मतलब एक कम से कम 150 ग्राम बैट का वेट कम हुआ है. और 250 ग्राम कम हुआ, 1342 था, 250 ग्राम कम हुआ है. इसमें अभी और भी कैप्सूल्स बनाना. ओके, सो बैट ऐसे ही हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्या, ज़रूरी होता है वो खाचा माना जैसे जो बोलते हैं कैप्सूल. एक्चुअली क्या है, इसका वेट ज़्यादा है, ठीक है, ये 70 ग्राम निकलते हैं. ओके, हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें एक कैप्सूल बनने का, ठीक है. इसको जो बोलते हैं इसको कैप्सूल बोलते हैं, जिससे बैट का वेट और कम हो जाता है. आप देख सकते हो कि प्रॉपर सारा कटिंग स्कूपिंग कैप्सूलिंग सारा हो चुका है. तो ऐसे भाई के बैट रेडी होते हैं. 1300 ग्राम का बैट था ये. ओके, 342 ग्राम का बैट था ये. अभी आप ये स्कूप करने के बाद इसका वजन देख सकते हो, ये 1 किलो 40 ग्राम तक आ गया. 1 किलो 40 ग्राम तक इसको, और इसका जो मॉइस्चर है जी, और ये लकड़ी सूखेगा और सूखेगा और लाइट होएगा लाइट होएगा फिर बेसिकली ये देखो जैसा ब्लॉक जैसा जितना इसका वेट रहता है. ओके, आप देख सकते हो वो हिसाब से स्कूपिंग होता है इसका, स्कूपिंग होता है, ठीक है. और कभी कभी बैट अनबैलेंस हो जाता है अगर ज्यादा अगर डिप कर दे. ओके ओके, तो ये हमारे जो भाई है वो इतने अच्छे से स्कूप कर प्रॉपर स्कूपिंग होता है कि बैट में बैलेंस रहता है और बैट के फटने के चांसेस भी कम हो जाते हैं. क्या बात है, देख सकते हो सर एक मिनट जी. क्या अभी किसी किसी को और लाइट जबरदस्त, जैसे आपको मतलब बैट कस्टमाइज करना होता है. ओके, अभी ये स्कूप है, अभी किसी को 4 स्कूप चाहिए रहता है. ओके, 4 स्कूप में, और किसी को जैसे भी स्कूप चाहिए रहता है. ओके, ओके, डिफरेंट स्कूप डिमांड करते हैं. हाँ, तो वो हिसाब से हम लोग ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम, तो वो भी दे सकते हैं हम लोग. दे सकते, क्या बात है. तो आप लोग की रिक्वायरमेंट यहाँ पूरी होती है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा टेनिस बैट में. तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे सबसे बेस्ट अगर मैन्युफैक्चरर है टेनिस बैट में तो भाई है, प्रॉपर बैलेंस के साथ आपको बैट मिलेगा. जैसे कि मैं बैट देख रहा हूँ, प्रॉपर सफाई के साथ कैप्सूल मारते टाइम स्कूपिंग, कोई ऐसी सफाई नहीं है जो नहीं की गई है.
ये बैट अभी रेडी नहीं हुआ, जब रेडी होगा ये अलग दिख के आएगा, बहुत ज़बरदस्त, तो वैल्यू फॉर मनी है। तो भाई के दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करना, इंस्टाग्राम आईडी पे करना, सब कुछ है, प्रॉपर मैन्युफैक्चरर है, सही चीज़ आपको मिलेगी टाइम्स बैट पे। तो जैसे हमारे जो बैट के जो डॉक्टर जो बोलते हैं, हाँ वो जो भाई है वो भाई है।